आज संस्कार की चर्चा हम सब कर रहे हैं। संस्कार हर व्यक्ति को जरूरत है। यदि जीवन में संस्कार ना हो तो हम विकास नहीं कर सकते हैं, इसलिए संस्कार की जरूरत है। सत्य का परिचय होना जरूरी है। आज इस घर में एक बच्चा जन्म लिया, उसके उपलक्ष्य में सब लोग इकट्ठा हुए हैं। सौभाग्यशाली वो माँ बाप हैं, सौभाग्यशाली वो परिवार है। लेकिन तब सौभाग्यशाली है जब अपने अंदर मातृत्व भाव पनपा पाए। कोई किसी के कोख से बच्चा पैदा होने मात्र से कोई माँ नहीं बन जाती है। आप लोग ध्यान देंगे, जिनके माँ जो बच्चे हैं उनके माँ बाप तो यहाँ नहीं है, आप लोग बता दीजिएगा। आप सबके लिए है। कोई बच्चा पैदा कर देने मात्र से कोई माँ और पिता नहीं बन जाते हैं, इस चीज़ को आप सब दिमाग में बिठा लीजिएगा। बहुत से लोग हैं जो बच्चा पैदा करके बच्चे को आतंकवाद और नक्सलाइट बना देते हैं, क्या वो माँ बन गई, क्या पिता बन गए। बहुत से लोग हैं जो बच्चे पैदा कर देने के बाद में अपने ही पुत्र के साथ में प्रेम का व्यवहार नहीं कर पाता है, क्या वो पिता बन गया। अपने ही पिता पुत्र के साथ में नफरत का बीज बो देता है, क्या वो पिता बन गया। आपने जन्म दिया, जन्म के साथ में उनको सब कुछ दिया और संस्कार नहीं दिया, तो आप भी सही माँ बाप नहीं बने। मैं बीच बीच में कहा करता हूँ, यदि आप बच्चे को उपहार नहीं देंगे तो बच्चे 4 दिन रोएंगे 6 दिन रोएंगे 4 महीना रोएंगे 6 महीना रोएंगे, और बच्चे को संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे जीवन भर रोएंगे और आपको भी रुलाएंगे। आप बच्चे को क्या संस्कार देते हैं। बच्चे को आप गाड़ी देते हैं, मोबाइल देते हैं, घर देते हैं, सब कुछ तो देते हैं, लेकिन क्या जीवन के बारे में भी बताते हैं। बच्चा जैसा पैदा होता है उसको पढ़ाने लिखाने के लिए इतना जोर डाल देते हैं, और डालना चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी है, पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप बच्चे को संस्कार दीजिए। क्या बच्चे के लिए आपके पास में 1 घंटा टाइम बचता है 24 घंटा में से? आपके पास नहीं है टाइम, हकीकत कहूँ तो। आपके घर में, किसी के घर में बैठ करके चर्चा नहीं होती होगी कि आप अच्छे इंसान कैसे बनो, आप अपने बच्चे को नहीं कहते होंगे। आप ये कहते होंगे मास्टर कैसे बनना है, वकील कैसे बनना है, जज कैसे बनना है, खेती कैसे करना है, मकान कैसे करना है, गाड़ी कैसे चलाना है, ये सारे एजुकेशन आप खुद देते हैं। क्या ये भी पढ़ाई कराते हैं आप कि आप अच्छे इंसान बन जाओ? क्या आप अपना चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे इंसान बने? आप चाहते हैं तो, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि आप जीवन में नहीं करते हैं। और परिणाम का है, परिणाम क्या है, नहीं होता है उसका। आप अपने घर में लड़ते हैं, मतलब आप बच्चे को संस्कार अच्छा नहीं दे सकते। यदि आपके घर में देरान और जेठान में लड़ाई होती है, सास और बहू में लड़ाई होती है, आपस में प्रेम का वार्ता, आपके दिल से प्रेम का फुहारा निकलना चाहिए। आपके लिए सबके लिए हित की बातें निकलनी चाहिए। आपके अंदर सबके लिए आभार होना चाहिए, प्रेम का उद्गार होना चाहिए। हम अपने अंदर नफरत का बीज इतना भर लेते हैं कि हमको अपने ही पराए लगते हैं, अपने ही माता पिता पराए लगते हैं, अपने ही देरान जेठान पराए लगते हैं, अपने ही बच्चे पराए लगते हैं। क्या माँ बाप बन गए? मात्र कोख से बच्चा पैदा करने से माँ बाप बन गए? आपने जीवन की सारी कमाई लुटा देते हैं बच्चे के लिए। आपके पास में यदि 1 करोड़ रुपया संपत्ति है तो अपने जीवन की 1 करोड़ संपत्ति बच्चे को लुटा देते हैं। क्या कभी अच्छे इंसान बनने की शक्ति उन पर आपने फिदा हुआ है उसके लिए? आपने अच्छे इंसान बनने की शक्ति उनको दिए हैं कि नहीं दिए? नहीं दिए तो बेकार चला गया। अभी नवरात्रि चल रही है, दुर्गा है, प्रतिमा बिठाया गया है, आपको बुरा लगे तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हकीकत बताऊँ, जिस दुर्गा को बिठाया गया है ना, वो मिट्टी का लेपन, रंग का पेंट, कपड़े से पहनाया गया है, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकती है। आपके निष्ठा है बिठाइए, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकती है। जितना निष्ठा और भाव से उस दुर्गा की पूजा हो रही ना, उतना निष्ठा और भाई भाव से कोई भी मतपंथ के हो, मैं ही नहीं कहता हूँ कबीरपंथी हो,
कोई भी मत पंथ के हो, उतना निष्ठा और भाव से अपनी सासू माँ की पूजा करती ना, तो मैं गारंटी से कहता हूँ उनका घर स्वर्ग बन जाता, उनका घर स्वर्ग बन जाता। उस दुर्गा के लिए पूजा, और जो दुर्गा जिस घर में दुर्गा है, जिन्होंने हमको पैदा किया, उसके साथ नफरत का बीज, क्या घर स्वर्ग बन जाएगा? इतने भाव से सब गाते हैं, और वही भाव से गाने वाले और वही पूजा करने वाले, अब ये नहीं, इसका मतलब नहीं कि जो पूजा करते नहीं वो लोग अच्छे होते हैं, ना ये भी नहीं कह सकता मैं, जो पूजा नहीं करते हैं वो भी अच्छे नहीं होते हैं, जो पूजा करते हैं उसके लिए ही नहीं है। जो भी नफरत का भाव रखें, प्रतिमा बिठाई गई है दुर्गा की, वो सिर्फ मिट्टी में नहीं है दुर्गा, दुर्गा प्रतिमा का मतलब होता है हर प्रतिमा में दुर्गा है, हर प्रतिमा में पहचानने की शक्ति चाहिए। आप पहचानिए जीवन को, बच्चे को अच्छा शिक्षा दीजिए, आप अच्छा संस्कार दीजिए, आप बच्चे को परमात्मा और आत्मा बाहर मत भटकाइए, आप बच्चे को आत्मज्ञान की बातें बताइए, बच्चे को दूसरे पर आधारित मत करिए, भगवान के भरोसे बच्चे को मत बिठाइए। आप अपना खेती के काम अपने बाहुबल पर करते हैं, और जब अध्यात्म की बात आती है तो भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। और भगवान के भरोसे छोड़ने वाले, मैं हकीकत आपको बताऊं, अभी नाट्यकला चलता है, पुजारी होते हैं उसमें से 99% 99% पुजारी और नाट्यकला करने वाले लोग पीते और खाते।